गाइस वेलकम टू आवर चैनल नेचर वीडियोस। आज मैं एमएक्स प्लेयर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो एमएक्स प्लेयर 95% एंड्रॉयड यूज़र के पास एमएक्स प्लेयर तो होता ही है, लेकिन आप लोग इसका किस यूज़ करते हो? सिर्फ वीडियो देखने के लिए। लेकिन एमएक्स प्लेयर में और कुछ हिडन फीचर्स है जिसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं, उसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, ये सब जो फीचर्स मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही काम रहेगा। तो एम एक्स प्लेयर का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो फीचर है वो फोल्डर एंड वीडियो हाइडिंग। तो चलिए कैसे आपको कोई फोल्डर एम एक्स प्लेयर में कोई वीडियो फोल्डर या कोई वीडियो कैसे हाइड करना है वो मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट फीचर ये वाला। तो अगर ये वीडियो देखिए, इसमें एक वीडियो है मेरा, इस फोल्डर को हाइड करना चाहूँ तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद थ्री डॉट में क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हाइट दिख रहा है आपको, हाइट अगर इस हाइट में मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फोल्डर जो है हाइड हो जाएगा। अभी आपको दिखा दिया फोल्डर हाइडिंग, अभी दिखाते हैं वीडियो हाइडिंग कैसे है। अभी देखिए ये वीडियो है, ठीक है, नहीं तो सब मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए बहुत सारे वीडियो, अब किसी भी एक वीडियो का अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो उस वीडियो को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा। इधर नीचे एक पेन का आइकॉन दिखा रहा है, इसमें जाकर मैं एक बार सिर्फ आपको इस नेम रीनेम में जाने के बाद सिर्फ आपको एक डॉट लगा देकर ओके करना है। बस देखिए वो वीडियो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, अब अगर फिर आप वो वीडियो को वापस लाना चाहते हो तो लिस्ट में जाने के बाद ये देखिए ये शो हिडन फोल्डर फाइल है, तो इसमें क्लिक करोगे अगर तो आप वो जो हिडन फोल्डर जिसको आप डॉट लगा है वो शो करेगा। अगर ये इसको उठा दोगे तो जो फोल्डर वीडियो था वो हाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्लिक करूँगा मैं, अब देखिए वो वीडियो ठीक से फिर से दिखाने लगा। देखिए एकदम फर्स्ट में डॉट का जो था वो वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीचर, अब आपको दिखा देता हूँ फीचर नंबर टू। अगर आप बोर हो गए एम एक्स प्लेयर से, यही पुराना ब्लू एंड व्हाइट थीम देख देख कर, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करना चाहते हो क्योंकि सब लोगों को ये फीचर्स के बारे में मालूम है, ये आप थीम का कलर चेंज कर सकते हो। देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे थीम आप चेंज कर सकते हैं। अब ये व्हाइट एंड ब्लू है, अब चेंज करने के लिए आपको ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद लिस्ट, लिस्ट में जाने के बाद पहला जो ऑप्शन है थीम, ये देखिए इसमें आप दो कलर का भी थीम लगा सकते हो, एक कलर का भी, सिंगल कलर का भी। देखिए अगर मैं ये ब्लू कलर ब्लैक कलर का लगाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लिया और क्या करूँगा, ये देखिए जो है कितना अच्छा लग रहा है। फिर से अगर आप पुराने वाला थीम में जाना चाहते हो फिर से डॉट में क्लिक करने का सेटिंग लिस्ट, उसके बाद थीम, ये देखिए इसमें ए वाला मैं क्लिक करूँगा पहला वाला पुराना वाला हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ ए वाला, देखिए इतने अट्रैक्टिव लग रहा है, तो फिर हमें शॉक करते किसी को मालूम भी नहीं है। आप लोगों को दिखा देता हूँ एम एक्स प्लेयर का थर्ड फीचर। थर्ड जो फीचर्स है, मान लीजिए कोई आपका वीडियो है, कोई आपको मूवी देख रहे हो, वो आपका इंग्लिश वर्जन में, आप उसको हिंदी में सुनना चाहते हो, हिंदी में देखना चाहते हो उस मूवी का, तो कैसे आपको जो लैंग्वेज है चेंज करोगे? तो जैसे मैंने ये वीडियो प्ले कर लिया, ठीक है, लेकिन ये मेरे फ़ोन से खींचा हुआ वीडियो है, ठीक, इसमें कोई अभी मेरा कोई मूवी नहीं है मेरे पास हिंदी और इंग्लिश वाला ऑडियो वाला, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दिखा देता हूँ। अब वीडियो चलने का टाइम एक ऊपर आपको एक ए वाला मिडिल में आइकॉन दिख जाएगा, ठीक है, ऑडियो का, इसमें क्लिक करने के बाद अभी सिर्फ इसका एक ही वर्जन इंग्लिश का, इसलिए इंग्लिश वर्जन दिखा रहे ऑडियो का। अगर जब आपको कोई मूवी चलाओगे हॉलीवुड मूवी, तब आपको जब डुअल ऑडियो रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, तो जिस लैंग्वेज में इस मूवी को देखना चाहते हो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मेरे पास अभी कोई मूवी नहीं है इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, फिर आपको क्या करना होगा मूवी को प्ले करके एक ऑडियो अच्छा आइकन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए जैसे इंग्लिश आ रहा है, ठीक, उसके नीचे तो हिंदी का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो हिंदी को क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो हॉलीवुड मूवी है हिंदी में प्ले होने लगेगा। तो मैं उसको फोर्थ फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। फोर्थ फीचर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सारे वीडियो देखते हो जिसका साउंड बहुत कम रहता है, तो अभी सुनने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ये देखिए अभी इमेज प्ले में मैं वीडियो चलाने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो का जैसे कि साउंड देखिए, देखिए 30 31, मतलब 31 इसका लास्ट साउंड है, 31 के ऊपर इसका कोई साउंड नहीं जा रहा है, मतलब 31 इसका 100% साउंड है। तो 100% वॉल्यूम को आप कैसे 200% में कन्वर्ट करोगे मैं दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट में क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग में जाना करना पड़ेगा। उसके बाद ऑडियो, ऑडियो में जाने के बाद ये देखिए वॉल्यूम बूस्ट आपको 200%, इससे क्लिक अगर कर देंगे आप तो आपका जो वॉल्यूम है 100 से 200% तक इंक्रीज हो जाएगा। सेटिंग कर लेने के बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे आप 100% से 200% कैसे होगा, आपको दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए अभी मैं वीडियो चला रहा हूँ, तो ठीक है, तो वीडियो देखें 100% इसका फुल साउंड है, ठीक है, 31 इसका फुल है।
अभी 31 हम सब पर डबल करेंगे, देखिए ऊपर एक आपको ऑप्शन आ रहा है एज डब्ल्यू, ठीक है। तो एज डब्ल्यू को आपको क्या करना है, एज डब्ल्यू में सेट करना है। जैसे ही एज डब्ल्यू में सेट हो जाता है अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अब जो साउंड 31 आ रहा था वो आपको एकदम डबल आपको दिखाने जा रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल पाँच नंबर फीचर जो मैं सुना था हिडन फीचर, तो इधर आप रिकॉर्ड में जब यूज़ करते एक ऑप्शन आता है नेटवर्क, तो नेटवर्क के मैं सब होता है तो आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क के मैं फिकर होता है। तो आप जब यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले करते हो, तो अगर आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो इमेज प्लेयर में प्ले करना चाहते हो, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बहुत अच्छा है उसमें इमेज प्लेयर में, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एक वीडियो यूट्यूब में इसको सिंपली शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद कॉपी लिंक कीजिए, कॉपी लिंक करने के बाद इसको एम एक्स प्लेयर पे नेटवर्क स्ट्रीम इधर थ्री डॉट में क्लिक कीजिए, नेटवर्क स्ट्रीम में आ जाइए, उसके बाद उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इधर अगर पेस्ट करके ओके कर देंगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा। तो अभी आज का वीडियो यहाँ तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन में आइकॉन आ जाएगा चैनल का, आप उधर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।